देखिए, जब किसी जगह पर कुछ लोग इकट्ठा हों, मान लीजिए एक घर पर मेहमान आए और 10-15 लोग उसमें मौजूद हैं, अब वो सब शांत बैठे हुए हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा किसी से, तो फिर उनके आने जाने का क्या फायदा हुआ और क्या महा मनोरंजन हो पाया? ना कोई बातचीत हुई, सब शांत बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सेम ऐसी ही हमारी क्लास हो जाएगी ये ऑनलाइन क्लास, और ऐसी ही हो जाती जब हम कमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए हमने अपनी इस क्लास में 2-2 मिनट की वीडियो में यही आपसे पूछा है कि हमने कौन से कलर में ज़्यादा बेहतर लगेंगे, गाना सुनाया आपको, और भी ऐसी ही बातें। जैसे आज का क्वेश्चन है, क्या मुझे आप विद बियर्ड मतलब शेविंग में ज़्यादा देखना चाहोगे या विदाउट शेविंग? तो आज का क्वेश्चन है विद बियर्ड और विदाउट बियर्ड। अब बात आती है कि सर बियर्ड की स्पेलिंग बता दो, तो इसे लिख लेंगे बियर्ड, ये होती है दाढ़ी, ये जो होती है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि सर आप दाढ़ी में मींस शेविंग में मींस बियर्ड में ज्यादा अच्छा लगते हो, तो कमेंट में लिखेंगे विद बियर्ड। और अगर लगता है कि सर बिना दाढ़ी के शायद आपने मुझे देखा नहीं होगा, या कभी देखा हो या इमेजिन करो, तो विदाउट बियर्ड इस तरीके का आप कमेंट करेंगे। कल को कुछ और बात होगी फिर हमारी। इससे ये होता है क्लास में ना जिंदा दिली रहती है, मनोरंजन रहता है। मैं भी आपके कमेंट पढ़ता हूँ, फिर आपको लगता होगा कि आप मुझसे बातचीत कर पा रहा हो, मैं नाम देखता हूँ आपके, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन है, क्या अजीम सर आपको विद बियर्ड चाहिए या विदाउट बियर्ड? क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा वो है बच्चों बीट दी एयर। अच्छा, बीट मिस हो गया पीटना, एयर मिस हवा, हवा को पीट दोगे आप, क्योंकि यहां भी हवा मौजूद है, पंखा चल रहा है, मैं मार रहा हूं इस तरीके से, कोई फायदा है? इसका मीनिंग होता है बेफिजूल का प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। तो आंसर लगा देंगे हम इसका टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, और यूजलेस का एक सिनोनियम होता है वैन, तो ये भी आ सकता है टू मेक एफर्ट्स विच इज वैन विच इज यूजलेस, तो दूसरा आंसर रहेगा। इसका मतलब होता है खुले तौर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, इसका मतलब होता है चुप रहना, इसका मतलब होता है किसी के नियंत्रण में होना। तो आंसर पहले का दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसको आप ऐसे समझो, जब कभी कोई नहा करके आता है तो उसके कानों के पीछे कभी कभी साबुन लगा हुआ रह जाता, ये उसके पीछे रह जाता, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं उन्हें पता कि यहाँ साबुन रह जाता तो साफ कर लेते, लेकिन बच्चा भूल जाता है। तो ये समझाने का तरीका है, बस एक्चुअल मीनिंग इसका है अनुभवहीन, इमेच्योर, जो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं रखता उस फील्ड में। तो आंसर क्या लगाएंगे हम इसका? इनएक्सपीरियंस्ड। ये पेसिफाई वर्ब से बना हुआ है, इसका मतलब होता शांत करना, तो ये हो गया शांत किया हुआ। एक्सप्रेस हो गया व्यक्त किया हुआ। लेजी हो गया आलसी। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा एमनेजिया। एमनेजिया मीन्स होता है जी जब कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल जाए कि क्या क्या हुआ था, तो इसे बोलते हैं हम लॉस ऑफ मेमोरी। और लॉस ऑफ स्लीप जो होता वो होता इंसोमनिया, जब बीमारी नहीं आती, इसे बोलते हैं अनिद्रा। इसका भी बता देंगे आपको कभी कि जब आवाज चली जाती तो क्या होता। और रिमेम्बरेंस जो है ना बच्चों, वो इसका एंटोनियम होगा, ये याद रखना होगा या वो मेमोरी खत्म हो जाना दिमाग से। तो चौथा आंसर है सिनोनियम के रूप में। फिर गलीबल आता है। गलीबल मीन्स होता है जो भोला भाला होता है, जो किसी भी बातों का एकदम से विश्वास कर लेता है, तो गलीबल मीन्स यही है। भोला भाला तो वो ये है, ये ईमानदार होता, भोला भाला नहीं होता, लेकिन ये भोला भाला होता, कोई भी इसका बेवकूफ बना देगा। इंटेलिजेंट चला के इंडोलेंट की हिंदी लिख लेना आलसी। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कल या परसों में बदतमीज बताया था, वो इंसोलेंट है, वहां पे एस था डी नहीं था, ये डी है, तो नोट कर लेंगे इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है एबव। अगर आप प्रीपोजिशन की क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपको नंबर मिलना चाहिए था। एबव का एंटोनियम होगा हमारा बिलो, और ओवर का एंटोनियम होगा अंडर,
ये बता चुका हूं मैं प्री पोजिशन की क्लास में, दूर दूर तक उसे भेजो, इस वीडियो को दूर दूर तक भेजो, जो भी एनडीए सीडीएस सीजीएल सीपीओ स्टेनोग्राफर बैंक या यूपीटेट सीटेट की तैयारी करता है उसकी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर दूर तक जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं भेजें, कमेंट करें, लाइक करें, आपको ये फायदा मिलेगा कि हमें जब एनर्जी मिलेगी तो हम क्लासेस और अच्छी पढ़ाएंगे आपकी, तो आप ये काम करें। फिर नीचे आएंगे हम तो फ्लड, फ्लड होती है बाढ़, और बच्चों बाढ़ का जो एंटोनियम होगा इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पानी होना, इसका एंटोनियम होगा अकाल सूखा, तो इसका आंसर ये वाला है। ये ड्राफ्ट एक अलग चीज है, जो ड्राफ्ट होते हैं ड्राफ्ट आ गया कहीं से, और ये जो ड्राफ्ट है हमारा ये होता घूंट या झोंका, जैसे मैं यहां हूं अचानक से हवा का झोंका आए तो वो ये है, या जो मैं एक घूंट में दवाई या पानी या कुछ पी लेता हूं तो वो भी यही है, ये नदी होती है। तो हमसे बच्चों एंटोनियम पूछा फ्लड का, इसमें हो गया बहुत ज्यादा पानी होना, इसमें सूखा होता पानी नहीं होता इसमें, और ये जो है हमारा अलग चीज है, तो एंटोनियम ये रहेगा, इसका एंटोनियम ये हो गया। कास्ट डाउन एक अच्छा शब्द है, और एक्चुअल में ये एडजेक्टिव है, ये फ्रेजल वर्ब जो है एडजेक्टिव के रूप में है, इसका मतलब होता है बच्चों उदास या निराश। डाउन से समझना आप, डाउन जिसका जो उत्साह है वो नीचे हो, उत्साह नीचे हो तो वो क्या होगा, डिजेक्टेड आंसर लगा देंगे ये वाला। तो ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, मैंने बीच में रोक दी थी लेकिन मेरा इरादा ऐसी ऐसी 100 वीडियो बनाने का है। क्लास अगर हमारी ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, जिसकी उम्मीद है कि जुलाई के शुरू से या जुलाई के बीच में क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए, ऐसा लग रहा मुझे अब, जैसे पहले खुला था ऐसे खुल रहा इस बार भी, अनलॉक जो हो रहा, तो आप तैयार रहें, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्लासेस मिलती रहेंगी। प्री पोजिशन भी मुझे पूरी पढ़ानी है, तो प्री पोजिशन और वोकैबुलरी की क्लासेस को शेयर करें, कमेंट करें आप इसके ऊपर, लाइक करें, और हो सके अगर आपको तो दूसरों को भी बताएं कि हम पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों को जानकारी नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।